ओम शांति। रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है। बाबा हमें बीज रूप अवस्था बनाने के गुर अर्थात विधियाँ बता रहे हैं। तो इस विधि में आज बाबा ने कहा, जैसे वृक्ष का रचयिता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह फिर से ऊपर आ जाता है, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकती हो। जैसे बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, तो बाबा हमें भी कहते हैं कि आप आत्माएं भी मास्टर बीज रूप हो। तो हमें इस अवस्था में स्थित होकर, अपने को ऊंची अवस्था में स्थित करके, सभी से श्रेष्ठ, सभी से ऊंचा मानकर, स्वमान में स्थित होकर सारे विश्व की आत्माओं को एक परिवार की भांति शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग की किरणें देनी है। और इसी अभ्यास से हम स्वयं भी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेंगे और हमारा जो पुरुषार्थ है वो भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो अब हमें इसी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है कि जो बाबा ने कहा, कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करें और पूरे विश्व की आत्माओं को सकास दे। यही अभ्यास हमें करना है। ओम शांति।